ગુજરાતની ત્રણ મહાનગરપાલિકાના મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જેમાં મેયર પદે સૌથી ગરીબ કોર્પોરેટર કિરીટ પરમારની પસંદગી થઈ છે। કિરીટ પરમાર માત્ર 6 લાખ રૂપિયાની મિલકતો ધરાવી રહ્યા છે, જ્યારે 34 કરોડની મિલકતો સાથે અમદાવાદના સૌથી ધનિક કોર્પોરેટર ગણાતા હિતેશ બારોટને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના પદે વરણી થઈ છે। भारतीय जनता पार्टी यही काम कर सकती है। एक छोटा परिवार, झोपड़पट्टी में रहने वाला छोटा आदमी, जिनकी परवरिश एक मामूली परिवार के अंदर हुई है, और भारतीय जनता पार्टी वही कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं कर सकती। अहमदाबाद के नागरिकों के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? अहमदाबाद के यानी हमारा पहला प्रेफरेंस होगा कि ऐसे तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, गुजरात गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, और काउंसिल म्यूनसिपल काउंसिल यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्षों से बीजेपी का है। वर्षों से यानी जो विकास है वो सतत चलता आया है। पूरा नेटवर्क ड्रेनेज लाइन का हो, पानी की लाइन का हो, पूरा ड्रेनेज लाइन पूरा वर्षों से सिस्टम से काम चल रहा है। कुछ काम होगा नया, कुछ कमी होगी तो टूटी होगी। हम साथ मिलकर हमारे संगठन के साथ और हमारे चुने हुए हमारे साथी काउंसिलर के साथ मिलकर एक टीम बना के साथ टीम वर्क के साथ हम काम पूरा करेंगे। जनता के लिए केंद्र सरकार और गुजरात गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, आम आदमी, आम परिवार, आम आदमी तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका मेयर का जो बंगला है नगरपति निवास, उसमें रहने का आपने जो फैसला लिया है, इससे आप जनता को क्या मैसेज? नहीं, उसमें क्या है जी सर कि आप मुझे ये घर रहोगे पब्लिक के बीच में रहने का पर सवाल करो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वही जनता को आपका ये मैसेज है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। आज पहले दिन बोला कि आप ये घर रहोगे, ये घर यानी आप मुझे घर भेजना चाहते हो, पब्लिक के बीच में रहने तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।